हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ आलू के पापड़ की रेसिपी। तो ये आलू के पापड़ जो हैं, हम बिना बॉईल किए आलू को ये आलू के पापड़ बनाने वाले हैं। और ये जो पापड़ है ना, वो बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और थोड़ी सी देर में और दो आलूओं से बहुत सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये पापड़ की रेसिपी। दो आलूओं से हम जो है लगभग 50 पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू के पापड़ बनाना। उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू। ये मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और अभी हम जो है इन आलूओं का छिलका निकाल देंगे। तो एक पीलर की मदद से इन आलूओं को छील लेते हैं। दोनों आलूओं का छिलका निकाल देंगे। और ये मैंने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं, तो दो बड़े साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। और आलूओं को छीलने के बाद हमें जो है पानी में आलूओं को डाल देना है, वरना हमारे जो आलू हैं वो काले हो जाते हैं। तो इसलिए तुरंत छीलने के बाद हमें जो है इन्हें पानी में डाल देना है। तो दोनों आलूओं को यहाँ पर मैंने छील लिया है और अब हमें इनका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने ये जार लिया है और इसमें हम जो है ये आलूओं को काट करके डाल देंगे। तो इस तरीके से थोड़े से छोटे छोटे पीसेस में हम आलूओं को काट के इसमें डाल दे रहे हैं। और आलू डालने के बाद हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम पानी डाल देते हैं तो आलू जो है अच्छे से पिसते नहीं हैं। तो इसलिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ आलूओं को ही हमें पीसना है। तो अब हम इसका जार का ढक्कन लगा देंगे और एकदम बारीक आलूओं को पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, यानी कि आप कोई भी पतीला ले सकते हैं, और आलूओं को पीस लिया है। और इस कप से मेज़र करके मैं इसमें ये आलूओं का पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये एक कप डाल दिया है और ये टोटल दो कप जो है हमारा आलूओं का पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो जितना हमारा आलूओं का पेस्ट बनकर तैयार हुआ है, उसका डबल जो है हमें पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पे ये दो कप जो है आलू का पेस्ट लिया था, तो हम इसमें चार कप जो है पानी डालेंगे। तो ये चार कप मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ, ये तीन कप और ये चार कप पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब हमें आलूओं को जो है पकाना है, तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है और आलूओं को इस तरीके से चलाते हुए पकाते रहेंगे। और जैसे जैसे आलू पकते जाएंगे, वो थिक होते जाएंगे। तो टोटल जो है हमें आलूओं को 20 मिनट तक पकाना है। 20 मिनट में जो है हमारे आलू जो है अच्छे से पक जाते हैं। तो इस तरीके से इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे। ये देखिए, आलूओं को पकाते पकाते ये जो आलू हैं 5 मिनट में ही काफ़ी थिक हो गए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हमें और पकाना है। 5 मिनट हमने पका लिया है, अभी हमें इसे 15 मिनट और पकाना है, क्योंकि हमें जो है आलूओं को टोटल 20 मिनट पकाना है। अभी हम इसे 15 मिनट और पका लेंगे इसी तरीके से, लो टू मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर आलूओं को पकते पकते 20 मिनट हो चुके हैं और जो आलू हैं वो काफ़ी थिक हो चुके हैं। और ये जो आलूओं का बैटर है वो काफ़ी थिक हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और ये बारीक कटा हुआ धनिया है थोड़ा सा। तो अगर आप ये पापड़ जो है व्रत के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें कुछ भी ना डालकर सिर्फ सेंधा नमक डाल दें, जो व्रत वाला नमक होता है वही डाल दें बस। तो आप इन्हें व्रत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं पापड़ों को। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो बैटर है इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम गरम इसके पापड़ तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसके पापड़ बनाएंगे।
बैटर को जो है मैंने ठंडा कर लिया है। उसके बाद मैंने एक पॉलीथिन की शीट ली है जिसे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है हम पापड़ बनाएंगे, तो इस तरीके से बैटर को इस तरीके से डालना है एकदम सेंटर में, और इस तरीके से इसके मोटे मोटे जो है पापड़ बनाकर तैयार करने हैं, क्योंकि सूखने के बाद ये जो है काफ़ी पतले हो जाते हैं, तो फिर जब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं तो ये जल जाते हैं, इसलिए थोड़े से मोटे पापड़ बनाने हैं। तो इस तरीके से हम जो है सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं ना कितनी जल्दी से ये पापड़ बनकर तैयार हो जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना तो आलू उबालने का झंझट है, ना ही एक एक पापड़ को बेल कर तैयार करने का, सिर्फ इस तरीके से बैटर को डालना है और पापड़ बनकर तैयार। तो इस तरीके से दो आलूओं से कितने सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से सारे पापड़ जो हैं बना लिए हैं। अब हमें इन्हें धूप में सूखने देना है, तो 2 से 3 दिन की धूप में पापड़ अच्छे से सूख जाएंगे। 3 दिन हो चुके हैं, पापड़ जो हैं अच्छे से सूख गए थे, और सूखने के बाद ये जो है अपने आप ही पॉलीथिन को छोड़ देते हैं, हमें इन्हें अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप से पॉलीथिन को छोड़ देंगे। और ये देखिए कितना पतला पापड़ बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पतला बना है और बहुत ही अच्छे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इन पापड़ों को बनाने में। तो ये सारे पापड़ जो हैं अच्छे से सुखा लिए थे मैंने 3 दिन की धूप में। अब आप इन्हें 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं इन पापड़ों को। अभी मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाती हूँ इन पापड़ों को। चलिए चलते हैं डीप फ्राई करने के लिए। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने लिया है ये ऑयल। ऑयल अच्छा गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक पापड़ डालेंगे इस तरीके से, और इसे हल्का सा दबाते हुए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो पापड़ है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से जो है जब भी मन करे ना आपका पापड़ खाने का, बस निकालिए और डीप फ्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पापड़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी इतनी जल्दी पापड़ बनाने की। तो इस तरीके से हम जो है इन पापड़ों को बनाकर 1 साल तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पापड़ हैं वो कितने क्रिस्पी बनते हैं। देखिए है ना कितना क्रिस्पी पापड़। तो बस आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक ले थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।